तो गाइस आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सारा गोप्रो का सामान है और गोप्रो को यहाँ पर सेट करते हैं और आज गोप्रो से मोटो व्लॉगिंग करते हैं थोड़ी बहुत। और आपसे एक मेरे को नाराज़गी है कि आप कमेंट नहीं करते हो बिल्कुल भी। कमेंट करके बताओ कहीं की राइड करूँ 200-300-400 किलोमीटर एक तरफ से हो, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ की राइड करूँ, तो मैं ज़रूर राइड करूँगा। तो चलो इसको फिट कर लेते हैं, मतलब इसको सेट कर लेते हैं अपने गोप्रो को और फिर चलते हैं यूवी को लेने स्कूल और टुक्की को लेने। थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए मैंने इसको यूज़ भी नहीं करा, तो चलो कर लेता हूँ इसको सेट अभी। तो गाइस देखो आधी कड़ा है, अभी मैं देख रहा हूँ इसको चला के ये सही रिकॉर्डिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी चलेंगे किसको लेने? यूवी टुक्की को। हाँ यूवी टुक्की को लेने जाऊँगा। चलो सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, और आज काफ़ी टाइम बाद मैं कर रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग और यूवी को लेने जा रहा हूँ स्कूल। और गर्मी जो बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम, और यहाँ से निकलने में मेरे को इतना 10 मिनट लग गए क्योंकि आगे नमाज़ पढ़ी जा रही थी तो वहाँ से भीड़ ज़्यादा हो रही थी उधर मस्जिद की तरफ। पुश्ते वाले रोड पर मैं अब आने वाला हूँ और अब देखते हैं, यहाँ तो भीड़ नहीं मिलेगी। ढलान वाला एरिया देखो, यहीं पर ही गाड़ियाँ लगा रखी है, ये पता नहीं किसकी है। बंदा एक ही तरफ से आ जा सकता है। ये पुल जो बना इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर एक सुविधा है हमारे को। जय साईनाथ महाराज। तो ये जो पुल बना है तो इससे एक सुविधा है हमारे लिए कि छाए रहती है दोनों तरफ, लेफ्ट पे जी मैं चल रहा हूँ यहाँ पर भी और राइट में भी थोड़ी बहुत छाए रहती है। लेकिन अभी इसका काम अभी तक पूरा कम्प्लीट हुआ नहीं, हो जाएगा बस, होप करते हैं इस साल में तो हो ही जाए। देहरादून एक्सप्रेस वे है ये, पता नहीं कब चालू होएगा ये। चलो लेकिन पहले जो दिक्कत आती थी ना, आपने सबने मोटो ब्लॉगिंग में देख ही रखा है मेरी भाई साहब, इतनी धूल उड़ती थी बहुत ज़्यादा। ओहो यहाँ पर गर्मी आते ही देखो कैसे, ए सूर्य देव भगवान प्रकोप थोड़ा कम कर दो, बच्चों पर रहम कर दो अपने। सूर्य देव जी भी कह रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, तुमने जब जगह जगह से पेड़ पौधे सब हटा दिए तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। सही बात है यार। और आगे है रेड लाइट, वो हो रही है ग्रीन, तो फटाफट से निकाल लेते हैं, टाइम अच्छा है, नहीं तो रेड हो जाएगी तो क्या फ़ायदा मेरे दोस्तों। और यहाँ पर पुलिस वालों ने अगर मुझे देख लिया तो ज़रूर रोकेंगे, मुझे पता है ना, जय भोलेनाथ पक्का रोकेंगे। अगर इन्होंने मेरे को ऐसे पुलिया में देख लिया ना, यूँ ही कहेंगे वे कि क्या करके, ये क्या कर रहा है बंदा, ये क्या लगा के घूम रहा है। ये देखो काफ़ी लोग रोक रखे हैं। चलो बच गए इस बार तो। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, आजकल एक स्कैम और चल रहा है, आप बाइक लेके जा रहे होंगे और पीछे से ही आपकी फ़ोटो खींच लेंगे और आपके पास भेज देंगे चालान कि आपने रेड लाइट जंप करी थी, अपने आप ही कुछ भी जीरो करके भेजते हैं वैसे तो। लेकिन उसमें बाद में जब आता है वो चलान जब होता है, ये देखो बेचारे ये सब कैसे जा रहे हैं, ये वोट वोट डालने जा रहे हैं। 1000 रुपये से कम का कभी चलान नहीं आता, कभी भी पुलिस वाले आपसे ये बोले ना ट्रैफिक पुलिस वाले कि देखो जी जीरो का कर रहे हैं हम, तो जीरो का मतलब वो 1000 रुपये है कम से कम। आज का आपका जो चलान है वो 1000 रुपये है और तुम्हारी सेटिंग हो जाए वहीं पर ही तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 1000 रुपये भरो भाई। मेरे 3 चलान थे बिगर फालतू के, एक मेरी गलती थी। एक्चुअली क्या मेरी गलती क्या थी, एक मेरी गलती ये थी कि सोना ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, तो वो गलती थी बस, उसका तो चलो कोई दिक्कत नहीं। 1-2 चलान मेरे बिगर फालतू के कटे हुए, मुझे खुद नहीं पता कहाँ कटे, कब कटे, कैसे कटे, ना मुझे किसी ने रोका, बस चलान भेज दिया पीछे से फ़ोटो खींच के बस। और मैं अकेला ही हूँ, रेड लाइट पर रुका पड़ा हूँ फिर भी। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूँगा कभी भी ऐसी बात हुई तो। और यार आप मोटो ब्लॉगिंग में जैसे करता हूँ तो आप मुझे कभी भी कमेंट करके नहीं, कभी भी नहीं बताते। मैंने आपसे कितनी बार पूछा है कि भाई मुझे बताओ कमेंट करोगे, जब भी तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो, मोटो ब्लॉगिंग कहाँ की देखना चाहते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, यार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना इस व्लॉग में, तो ज़रूर बताना कि मुश्किल एक तरफ से 300-400 किलोमीटर तक की राइड हो तो मैं कर लूँगा। 300 400 नहीं यार, बहुत लंबा हो जाएगा 400 तो,
बाकी कुछ पता नहीं है मेरा, अगर चलाते वक्त मजा आने लगा तो मैं 400 भी कर लूंगा, लेकिन आप एक बार कमेंट करके बताओ कि मैं कहाँ तक की पहली राइड मैं कहाँ की करूँ, आगरा की करूँ या हरिद्वार की करूँ। भाई सबसे बढ़िया हरिद्वार की, भाई साहब मजा आ जाएगा। अगर आपने किसी ने भी कमेंट कर दिया ना हरिद्वार की राइड करो, तो मैं मेरे एक दो यार दोस्त और हैं जो जिनका उनका भी चैनल है, तो मैं उन सबों से बात करूंगा कि भाई वहाँ की राइड करते हैं। तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, आपसे रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मान लेना यार। तो यार मैंने जो इससे पहले वीडियो डाली थी आपने देखी होगी, तो वो वीडियो जो थी इसी रोड की थी, ये पूरा ब्लॉक था, इधर वाला पूरा ब्लॉक था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उस दिन जाम था, बहुत ज़्यादा मैं भी परेशान हो गया था। चलो देखो गर्मी है, अब ऐसे चल रहे हैं ना तो कुछ पता नहीं चलता, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। हाँ जैसे ही क्या नाम है जाम में खड़े हो जाता है ना बंदा कोई भी, तो फिर भाई पता चलता बाइक वालों को, जो बात है सच बात कि बाइक वालों को जब ही पता चलता है कि हाँ भाई गर्मी सच में ही हो रही है। तो चलो अपना ब्लॉग भी हमने स्टार्ट नहीं करा, तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल टॉक ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा कि मेरे चैनल पे मेरे वीडियो पे कमेंट करेगा तो वो भी इनवाइट रहेगा हमारी मोटो व्लॉगिंग में। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आगरा की तरफ का ट्रिप लगे या फिर अपना हरिद्वार, और प्लीज़ यार हरिद्वार ही लिख देना, भोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे और गंगा जी में नहा लेंगे, और बहुत इससे अच्छी और क्या बात है, अपना पहला मोटो व्लॉग इतने अच्छी जगह होगा। तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बता देना, प्लीज़ 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 बताना ज़रूर। हर बार की तरह यहाँ रुकना पड़ेगा, और जब यहाँ से चलूँगा तो स्टार्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बस वाले बहुत गलत तरीके से निकालते हैं अपनी बसों को। चलो अपनी तो ग्रीन लाइट हो चुकी है, देखो 13 सेकंड ही बची है जहाँ निकलते निकलते। और ये देखो ये देखो ये पंगा गलत है बस यहाँ पर, और मोटो व्लॉगिंग में आपको मज़ा आ रहा हो तो फिर कमेंट करके बताना कि रोज़ मोटो व्लॉगिंग चाहिए या नहीं चाहिए, और कैमरे का एंगल ज़रूर बताना देख के। वो तो मैं पूछता भूल ही गया आपसे कि कैमरे का एंगल एकदम सही है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये भी आना चाहिए और सामने का आना चाहिए। लो भाई मेरे से ही गाड़ी बंद हो गई थी अपनी, अभी कैमरे के एंगल के चक्कर में मैं कह रहा गाड़ी को क्या हुआ भाई, बाइक को आज तो पूरे फट जाते यार एकदम से नज़र गई, मैंने देखा मैंने यार ये वाला जो स्विच है ये मैंने बंद ही हो गया मेरे से। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, जो होता अच्छे के लिए होता है नहीं तो बच्चे के लिए होता है। देखो छोटी सी गुड़िया स्कूटी पे बैठ के जा रही है स्कूल से, और अपना छोटा सा गुड्डा आएगा भी स्कूल से लेंगे उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगर उसके यहाँ पर 5 मिनट भी लेट हो जाओ ना वो तबाही मचा देता है स्कूल के अंदर। मेरे डैडी क्यों नहीं आए अभी तक, उनको फ़ोन करो भाई साहब, फ़ोन कर करके मैडम वो मैडम को बोल बोल के परेशान कर देता है वो यूवी, जिसका नाम यूवी है, यूवी युवराज। चलो चलो यार चलो 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 चलत चलत चल, गाने आ गया, चल दो भाई चल दो, नहीं तो मैं गाना गा दूंगा। मेरे महबूब कयामत होगी, गलियों में मोहब्बत होगी, बस इतना ही गाऊंगा, कहीं आप सोचो मैं पूरा गाना सुनाऊँ आपको कॉपीराइट आ जाता है। वैसे ही एक वीडियो अपनी डिलीट कर दी है यूट्यूब ने, होली वाली इतनी बढ़िया वीडियो थी, पता नहीं यूट्यूब को क्या उसमें गलत लगा, मुझे तो समझ नहीं आया, इस मारे वो डिलीट ही हो गई वीडियो। आज तो बहुत ज़्यादा जाम भीड़ हो रही है यहाँ पर, पेरेंट्स आ रहे हैं ना खुद लेने के लिए, वो जो बम वाला मैटर हुआ था अभी बीच में स्कूलों में जो हुआ था ना बम वाला मैटर, तो इस वजह से अब देखते यार कहीं छाए में ही लगाऊंगा देख के जगह। चलो अब मैं बंद करता हूँ उसको, लेके आता हूँ। तो गाइस यू भी आ चुका है और इसके साथ कर दिया एक छोटा सा प्रैंक। गर्मी ज़्यादा है तो भाई देख लो, पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा मैंने इसको कैप वैप पिरानी रखी थी, भूल गया था लानी जल्दबाजी के चक्कर में, और अंदर टुक्की के लिए भी लाया हूँ।
बस यू भी पहन लेता है, फिर चलते हैं अपन घर। और जाम बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा हुआ है, और यूवी का बैग भी मुझे सेट करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ देखो कितना तगड़ा जाम लग चुका है स्कूल के बाहर, क्योंकि ये बैटरी रिक्शा की वजह से देखो इधर खड़ी कर रखी थी ने बैटरी रिक्शा, अब इसको हटाना ही पड़ा। आगे चल रही है हमारे BMW X4, और ये गाड़ी भी मेरी फेवरेट गाड़ियों में से है। जैसे फॉर्चूनर मेरी फेवरेट है ना, ऐसे BMW की तो मेरी सारी गाड़ियाँ फेवरेट है, और मारुति की भी सारी गाड़ी है जितनी भी है सब मेरे लिए फेवरेट है। टोयोटा अभी तक नहीं चलाई मैंने, मतलब अभी तक नहीं रखी, हमारे डैडी ने भी नहीं रखी अभी तक टोयोटा। हमारे पास महिंद्रा भी थी, काफ़ी मतलब गाड़ियाँ थी हमारे पास, और अभी तो क्रेटा और अपने पास ब्रेजा आई। बड़े वाले भाई के पास क्रेटा है, मेरे पास ब्रेजा है, तो उससे भी हमारा बहुत जल्द प्लान बनने वाला क्या बोल रहा हूँ यार, उससे भी अभी दोनों गाड़ियों से हमारा प्लान बनने वाला है। अभी हम कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए, ग्रीन हो रही है कहीं, आप सोचो कि रेड हो रही है, तो उससे भी कोई आसपास का कोई टूर नहीं होगा हमारा। कम से कम आना जाना हमारा 2000 किलोमीटर का रहेगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठिए, कुर्सी की पेटी लगा के बैठिए, क्योंकि हमारा प्लान जो बनेगा ना जाने के लिए, ओए होए आपको मज़ा आ जाएगा। और जिस टाइम हम निकलेंगे उसमें और ही चार चांद लग जाएंगे भाई साहब, और पूरी तैयारी से चलूँगा। हो सका तो बीच रास्ते में अपना कुकिंग भी करेंगे, भाभी और सोना दोनों कुकिंग करवाएंगे इनसे, और बढ़िया रुकते रुकाते जाएंगे, मज़े इन्जॉय करते हुए जाएंगे। और ये वाला फ्लाईओवर पूरा जाम था, ये वाला, हम इस वाले से गए थे रॉन्ग साइड, क्योंकि रॉन्ग साइड सब जा रहे थे तो हम भी रॉन्ग साइड गए थे। ये तो पूरा ही जाम था भाई साहब, और हम शॉर्टकट मारते हैं हर बार की तरह, इधर से शॉर्टकट ही मारेंगे या मार ही लेते हैं चलो, क्योंकि हमें रेड लाइट पे खड़ा नहीं होना पड़ता, हम जाके किसी छाई में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भाई गर्मी का टाइम है और जो भी छोटा है अभी उसको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। ये देखो बिगर फालतू की जगह में लगा रहे थे लोग वक्त। देखा कितने यहाँ पर इन्होंने बाइक है, स्कूटी है, कार वगैरह सब खड़ी कर रखी है। ये देखा ऐसे हैं बिगर इंडिकेटर के निकल रहे लोग वाक। हमने तो फिर भी 4 इंडिकेटर चला रखे हैं, जो कि व्लॉगर को जरूर 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 ही चलाने चाहिए। और हाँ, व्लॉगर को तो यार पूरे राइडिंग गियर्स भी पहनने चाहिए, तो एक्चुअली क्या इतना मोटा पैसा है नहीं ना, राइडिंग गियर्स भी पहने। और मोटो ब्लॉगिंग, आपको मैं ये बताना कि मोटो ब्लॉगिंग अच्छी लगती है या व्लॉग अच्छा लगता है, या मोटो ब्लॉगिंग प्लस व्लॉग घर का। वैसे तो इसी तरीके से दिखाऊंगा ये, तो मैं इतनी बातें जो कर रहा हूँ ना, कुछ बातें तो इनमें से काट दूंगा, क्योंकि आप बोर ना हो, कुछ कुछ मसाला इसमें डालते रहेंगे और सब्जी बना के खाते रहेंगे। वाह क्या शायरी बन गई है, कुछ कुछ मसाला डालते रहेंगे और सब्जी बना के खाते रहेंगे। वाह 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 क्या शेर मारा है। ग्रीन हो रही है भाई, निकल ले जल्दी जल्दी, हमें भी निकलने दे यार दोस्त, ईट क्लब हट जा। ये देखा बिगर इंडिकेटर के चल रहा है, हाँ हेलो कर रहा है, तो देख लिया कैमरा लगा रखा है, मूड सारा हल्का कर दिया। चलो कोई नहीं, और जो जो भाई भी मुझे जहाँ जहाँ से देखता है मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, आपके शहर आपके जगह जरूर आएंगे मिलने के लिए आप सभी से। और आप कभी मिलना चाहते हो मुझसे आसपास तो बता देना, आपके लिए भी एक छोटा सा मीटअप रख लेंगे, चाहे दो बंदे आओ चाहे एक आओ, आना ज़रूर। और मोटो ब्लॉगिंग अपनी मस्त हो रही है इतने टाइम बाद भी, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ऐसे कर पहाड़ों में देखना चाहता हूँ मैं, पहाड़ों में वादियों में जाना चाहता हूँ, बस आप कमेंट करके, भाई यार कमेंट डे आगे मत कर देना वादियों के, जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं कर पाऊँगा अभी। हाँ बस ये पॉसिबल ये है कि आप कमेंट करो तो मैं हरिद्वार आ जाता हूँ, कमेंट करो आप हरिद्वार के लिए तो मैं हरिद्वार आ रहा हूँ बस, और बाइक से ही आऊँगा, क्योंकि कार से नो, राइडिंग करनी है भाई, राइडिंग राइडर बनना है, कोशिश करनी है वहाँ पर बाइक से आना जाना, कभी नहीं करा लाइफ में, गाड़ी से ही गया हूँ जब भी गया हूँ, बस आप कमेंट करके बताओ।
आज वाली जो वीडियो ये कल डलेगी, बस आप कमेंट कर देना कि हाँ भैया आप वहाँ की मोटर व्लॉगिंग दिखाओ आप हमें, बस तो समझो मैं निकल लिया। आपको एक दिन पहले जरूर बता दिया जाएगा, पूरी तैयारी करो। बाबा क्या ले जा रहे हो खाने में? ओहो पनीर की सब्जी रोटी, मौज आ गई आज तो। बस अब टुक्की को लेके निकल चुके हैं, टुक्की को देखना है तो शीशे में देख सकते हो, ये दिख रही टुक्की शीशे में, ये वो था नारियल बीच में आता, इसको बोल देता हूँ भाई नारियल पड़ा उसको साइड कर देना भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी थैंक यू। और ये रहा अपना देहरादून एक्सप्रेस, जय महादेव जय श्री राम। और अपना देहरादून एक्सप्रेस वे मेरा इंतजार कर रहा है कि आ जाओ देहरादून और मोटर व्लॉगिंग करेंगे इस पे भी यार देहरादून तक। पता नहीं इसमें बाइक अलाउड होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो जरूर देहरादून मिलेंगे भाई साहब। 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे हम, मैं कह रहा हूँ 3 घंटे में ही पहुंच जाए, क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ आ रही है जब पढ़ी लिखी घर आ रही है। और यार काफी दिन हो गए यार वहाँ भी नहीं गए गुरुद्वारे, तो गुरुद्वारे भी जाना है। वैसे हम अभी बीच में गए थे तो हमने वीडियो नहीं बनाई थी, वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई थी गुरुद्वारे जब हम गए थे, क्योंकि यार कभी कभी मन नहीं होता वीडियो बनाने का, कैमरा उठाने का, तो इस वजह से। बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, बहुत सुख शांति शांति मिलती है वहाँ, बहुत ज़्यादा शांति। और गाइस जब यहाँ से अपनी बाइक नीचे उतरती है तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। लड़की नहीं हट रही, अच्छा ये तो लड़का था भाई। ये देखो ये ऐसे ढक्कन खुले रहते हैं ना, अभी पीछे एक ढक्कन खुला हुआ गया था दिख नहीं रहा था, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो ये बच्चों को देखो, ये देखो कैसे चला रहे स्कूटी, देखना अभी चलाएगा, अभी चलाएगा ये देखो। या तो अभी ये कैमरा देख के सेट हो गया, नहीं हुआ पता नहीं चला तो अभी ये करेगा देखना। पीछे चलूँगा इसके, दिखाऊंगा जरूर आपको भाई। जिसके भी बाल आके देख लेना अपने अपने बालकों को, नमस्ते भाई, देख लेना अपने अपने बालक किसके बाल आके। ये थोड़ी हमारी खेकड़े वाली मतलब उधरी वाली हमारी जो लैंग्वेज है ये, बालक बूलक करते रहे मैं और भाईचारा बना के रखे रहे मैं। और लद्दाख में आपका स्वागत है, लद्दाख की पावन धरती पर आपका स्वागत है, जहाँ पर इतनी सारी ऑफ रोडिंग आपको मिलेगी बिगर फालतू की, ये मिलेंगे सब। और ये कुत्ता कहाँ ले जा रहे भाई, ये देखो ये। और हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी खाई है, ये देखो कोने पे खाई बना रखी है। चलो गाइस आ चुके हैं, अब गाड़ी को करते खड़ी। राम राम जी, राम राम। तो ये देखो अपनी गाड़ी मज़ेदार शानदार लाजवाब दिल छूने वाली बाइक। चलो भाई घर तो आ गए, अब ऊपर चलता हूँ फटाफट से। बैची अंदर मिलेगा आदि भाई, ये बेटा। हेलो गाइस, बच्ची आप मैं तो याद कर लेते चीते तो मैं आ गया इसीलिए। चलो गाइस अब बंद करता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको पता आज मोटर व्लॉगिंग करी है काफी टाइम बाद, बहुत ही ज्यादा मजा आया मोटर व्लॉगिंग करने में। तो मैं अभी एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको मोटर व्लॉगिंग जो देखनी है वो व्लॉग भी देखने साथ में घर के, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, एक बार ज़रूर कमेंट कर देना। और अभी टाइम हो रहा है 8 और अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, शोना बनाएगी खाना, और खाना खाने में आज क्या बनाएगी वो अभी बता देगी, खुद दिखा देगी क्या बना रही है, और फिर उसके बाद खाना खाएँगे और फिर सो जाएंगे। ये हट जा दी, हट
और ये है हमारा आदि, और ये हमारा बदमाश चोला। गाना सुनाओ। बदमाश चोला बदमाश चोला तेरी छाती पे मेरा माच चोला बा अब दूसरा वाला तेरा नाम दिया। तेरा नाम मेरा ओ तुझे जातिया तेरा नाम। चलो गाइस अभी फोन आ रहा, बाद में करता हूँ। तो गाइस अब खाने में बनी हुई है पुलाव, पुलाव खाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। खाना खाने के बाद व्लॉग भी एंड करना, और ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, तो कोई बात नहीं। आप प्यार दिखाना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना।